जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा मलहरा में गुरुवार को आम सभा को संबोधित किया। जनसभा को उन्होंने भाजपा की नीतियों को गलत ठहराया और 2023 में प्रदेश से भाजपा सरकार को सबक सिखाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 माह के कार्यकाल में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है। उन्होंने भाजपा को भ्रष्टाचार और माफियाराज को बढ़ावा देने वाली सरकार बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीकॉप्टर से गुरुवार को सुबह 11 बजे बड़ा मलहरा आए। वहां उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद किया। जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से 2018 में भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु भाजपा ने सौदा कर साजिश के तहत सरकार गिरा दी। विगत 18 वर्ष से प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार है। इन बीते वर्षों में शिवराज सरकार ने प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले, माफियाराज और घर घर में दारू दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सौदा करके कांग्रेस की सरकार गिराई। मैं भी सौदा कर सकता था, परंतु मैं सौदे की राजनीति नहीं करना चाहता। 2018 में शिवराज सिंह ने मुझे ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसान आत्महत्या कर रहे थे, बेरोजगारी व महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 पर था। प्रदेश में आज किसानों की हालत खराब है और शिवराज अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। अतिवृष्टि से प्रदेश में खरीफ फसल खराब हुई, परंतु प्रदेश सरकार सिर्फ सागर जिले के किसानों को राहत राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम जनता को अपने 15 माह के कार्यकाल का परिचय देते बताया कि मैंने 27 लाख किसानों का कर्ज पहली किश्त में माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल दिया, प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनवाई और पेंशन बढ़ाई। आम जनता से उन्होंने 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार को चुनने की बात कही और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कार्यक्रम में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, राजनगर विधायक विक्रम सिंह, नाती राजा, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्यारा महीने बाद आपकी चलेगी किसी अधिकारी की और किसी पुलिस की नहीं चलने वाली, ये याद रखिए। और आप भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, पैसे दो काम लो, समझाकर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। 50 से लेकर 15 तक शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई। ये आधारा थे हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा बेरोजगार नौजवान सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा बेरोजगार नौजवान जो निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का, अगर उसका भविष्य ही अंधेरे में रहा तो क्या भविष्य होगा अपने प्रदेश का। आज नौजवान के तरफ हमारे बुजुर्गों की दुनिया से जोड़ती, आज के नौजवानों की दुनिया को जोड़ती। आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, कोई ठेका नहीं चाहता, बहुत व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। और ये सभी संभव है जब योजना में भ्रष्टाचार नहीं हो, योजना का लाभ हमारे नौजवानों को मिले। कोई गाड़ी चला ले, कोई मिट्टी का काम कर ले, कोई गिट्टी का काम कर ले, ये आज आवश्यकता है, निवेश आए। आज हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से जुड़ा हुआ, कोई निवेश नहीं आता। जब मैंने बात करी थी, मैंने बात करी थी कि उद्योगपतियों से भी आप निवेश आइए, उन्होंने कहा कि मध्य